हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सिटी पैलेस। हम लोग उदयपुर में हैं और पूरा सिटी पैलेस एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। आनी हमारे गाइड हैं। नमस्ते, मेरा नाम रविंदर सिंह राठौड़ है। तो अभी हमको बताएंगे, पूरा अंदर चलते हैं, चलिए देखते हैं। महल की जो आप 5 फ्लोर पे बना हुआ है, और यहाँ से हम एंटर करने जाएंगे इस गेट को, हम बोलते हैं तोरण पोल। और 23 जनरेशन ने मिलकर इस महल को बनाया। महाराणा उदय सिंह जी ने 1559 के अंदर इस महल का फाउंडेशन रखा था। और यहाँ की जो रॉयल फैमिली है वो है सूर्यवंशी राजा भगवान के वंशज हैं, राम के। इनका जो लास्ट कैपिटल है वो है उदयपुर। उदयपुर से जो पहले कैपिटल था वो था चित्तौड़, लेकिन 16th century में कंटिन्यू अटैक होने की वजह से मुगल के द्वारा चित्तौड़गढ़ एक सेफ डेस्टिनेशन नहीं था, इसीलिए उदय सिंह जी ने अपना नया कैपिटल उदयपुर को बनाया। उदय सिंह जी के बाद में जो नया महाराणा बने थे वो थे महाराणा प्रताप, इकलौते राजा भारत के अंदर। जब मुगल काल चल रहा था, अकबर पावर में था, तो महाराणा प्रताप ने जीवन भर उनसे युद्ध करना स्वीकार किया, लेकिन उनके सामने अपने घुटने नहीं टेके, अपना कोई भी लैंड उनको गिफ्ट नहीं किया या बहन बेटी की शादी नहीं कराई। इन्होंने अपना फेमस बैटल लड़ा था, हल्दीघाटी बैटल युद्ध हुआ था 1576 में, जिसको लीड किया था जयपुर के राजा मानसिंह जी ने, क्योंकि जयपुर और मुगल्स के फैमिली रिलेशंस थे। 14 अकबर के बारे में आपने सुना होगा। इस युद्ध का सबसे बड़ा हीरो था चेतक घोड़ा, जिसने अपना एक पैर कटने के बावजूद इस युद्ध को कंटिन्यू लड़ा। देख सकते हैं कि पैर कटने के बाद भी चेतक घोड़ा एक पैर पे दौड़ रहा है, महाराणा अपनी दोनों तलवारों से सैनिकों को मार रहे हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। एक पूरा स्टोरी है। यहाँ पे एक नदी है हल्दीघाटी के इधर, 22 फीट दूरी पर छलांग लगा के क्रॉस करा था। इस नदी को बोलते हैं बनास नदी। ये पुराना बाहर का फोटो है जहाँ पे एलिफेंट पार्किंग होता है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पे श्रीनाथ जी का मंदिर है, और 21 किलोमीटर दूरी पर एकलिंग जी। कुटिया को बोलते हैं राज्य आंगन। राज्य आंगन का मतलब जहाँ पे महल का सबसे पहले फाउंडेशन रखा गया था उदय सिंह जी के द्वारा। तो पहले के समय में जब भी दीवान आम यहीं पे लगता था। जब भी राजा से पब्लिक को काम होता था, लेडीज के लिए हेल्प, वो सब यहीं पे आते थे। और राजपूत घराने में आपको पता है लेडीज घूंघट पटका में रहती है, तो सभी राज्य जो रानियाँ होती थी, राजकुमारियाँ होती थी, वो ऊपर से देखा करती थी। ऊपर महाराणा प्रताप का कक्ष है, तो इधर उनका ओरिजिनल जो वेपन्स थे वो उनको वहाँ रखा हुआ है। पर इन्होंने चूना लगाया है, जो अपन घोटाई करा थे अपने घर पे, तो चूने से घोटाई करा हुआ है, वो ये डिजाइन दे रहा है। अभी जो करंट चीफ है, ये है करंट चीफ श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़, 76 नंबर के किंग है। तीनों कैपिटल मिला के उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। तो अलग अलग राजा के समय में जो लेक्स का निर्माण कराया गया है उनका यहाँ पे आपको पता रखा है। महल को एक डिफेंस के हिसाब से बनाया गया, अगर कोई अटैक करता है, अगर यहाँ पे फाइट होता तो इजीली आप व्यक्ति यहाँ पे आर्म्स भी नहीं खोल पा रहा है, तो इसकी हाइट भी कम है, तो तलवार वहाँ पे चल ही नहीं पाएगी कि टकरा जाएगी। तो राजा हमेशा अपने पास में छोटे छोटे चाकू रखते थे, अगर कोई अटैक करा तो चाकू से उनको मार दिया जा सकता। ये है सीक्रेट मैसेजेस। क्योंकि यहाँ से आप आसमान देख पाते हैं, बट ओरिजिनली इसको आप देखते हैं तो ये है पहाड़ी का एक हिस्सा है, पहाड़ी की चोटी है। तो अपन जहाँ खड़े हैं अभी, ये है ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि सॉलिड रॉक होने की वजह से रॉक को इन्होंने काटा नहीं, रॉक को एज इट इज रहने दिया, और नीचे से लेके ऊपर तक दोनों साइड में उसकी जो हाइट थी उसके बराबर दीवार को खड़ा किया। हाइट इन द सेंटर में देखते हैं पुल बना हुआ है, कि पहले के समय में जब भी होली सेलिब्रेशन होता था, होली फेस्टिवल का, राज परिवार अपने नोबल्स के साथ में, दूसरे स्टेट के किंग्स आते थे, रिलेटिव आते थे, सभी मिल के यहाँ पे होली का फंक्शन इंजॉय करते थे, फेस्टिवल इंजॉय करते थे।
चलेंगे, वहाँ से अपन सिटी व्यू देखेंगे। उससे पहले आज के जमाने में हर एक व्यक्ति व्हाट्सएप इंस्टाग्राम यूज करता है, तो अपन देखने जाएंगे पुराने समय का व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। तो आपने वो गाना तो सुना होगा कबूतर जा जा जा, तो ये वाला जो आप देख सकते हैं पिंजरे यहाँ पे हैं। पहले के ज़माने में जैसे आजकल हम व्हाट्सएप से मैसेज भेजते हैं वो तो नहीं था, लेकिन कबूतर जो होते थे वो एक पैगाम दूसरे तक ले जाते थे, तो ये उनके पिंजरे अभी तक रखे हुए हैं। Never been ruled by anyone. हमेशा फ्रीडम कैपिटल रहा है, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, मान सम्मान सबसे ज़्यादा ऊपर रहा है। तो वहाँ पे जो चेयर्स थी वो अकॉर्डिंग टू स्टेटस नहीं लगाई गई थी, इसीलिए महाराणा फतेह सिंह जी ने दिल्ली दरगाह में वो जो मीटिंग हुई थी उसको अटेंड नहीं किया था। वो जो चेयर एमपी रही थी उसको चेंज करके यहाँ पे लगाया गया, साथ में दो घोड़े की बुक किया वही चेयर। वो जो आप मेरे नीचे गेट देख रहे हैं उसको त्रिपोलिया बोला जाता है, जब भी पहले के ज़माने में शादी होती थी, कि अभी जब भी शादी होती है तो यहीं से जो राजकुमार होते हैं वो आते हैं। एंड अब वो पूरा व्यू देख सकते हो, उदयपुर का पूरा व्यू दिख रहा है। देख सकते हैं इससे उनको पता चलता था कि दीवाने आम में अभी क्या चल रहा है, क्या फंक्शन हो रहा है और कौन सी मीटिंग कर रहा है ना। ये सभी पेंटिंग्स लगी हुई है अलग अलग समय में, जैसे कि वो देखते हैं कि 1755 मैं एक बारात गया था राजा जी राजकुमार जी का गोविंद पास में गांव में, तो वो बारात का सीन है। वो जग मंदिर जो पानी के बीच में आइलैंड बना हुआ है, वो आइलैंड क्यों बनाया गया था, जग मंदिर का निर्माण क्यों हुआ था, राजा जी ने इस पैलेस को इसलिए बनाया था जब भी वो अपने प्लेजर टाइम के लिए जाना चाहते थे अपने वाइफ के साथ में, रानियों के साथ में, कभी कोई गेस्ट आ रहा है, रिलेटिव्स आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से राजा आ रहे हैं, तो उनके लिए गेस्ट काइंड ऑफ पेइंग गेस्ट हाउस होता था, अच्छा समय व्यतीत करने के लिए 2-3 दिन के लिए वहीं रहते थे, इसलिए जग मंदिर का निर्माण कराया गया था। और लेक पैलेस होटल जो है वो पुराने समय का समर पैलेस हुआ करता था, कि समर टाइम पर जो गर्मी उदयपुर में गर्मी थोड़ा ज़्यादा रहता है, सूर्य का तेजी ह्यूमिडिटी नहीं रहता है, सूर्य का तेजी ज़्यादा रहता है, जिससे क्या है कि गर्मी लगता है, तो पानी के बीच में एक महल बना हुआ जिसको बोलते हैं लेक पैलेस। तो समर टाइम पर राज परिवार वहाँ रहता था। और एक और महल बना हुआ पहाड़ी के ऊपर मानसून पहले सजनगढ़, तो बारिश के समय में सी लेवल से 550 मीटर ऊंचाई पर है वो, तो बारिश के टाइम पर राज परिवार थोड़े टाइम के लिए 2 या 5 दिन के लिए अपना अच्छा समय स्पेंड करने के लिए, पार्टीज के लिए वहाँ जाया करते थे। राजा रानी का प्राइवेट बेडरूम हुआ करता था जो कि पूरा कांच का बना हुआ मिरर का, इसीलिए इसको शीश महल बोला जाता है। इसका फ्लोर, इसकी वॉल और इसका रूफ पूरा कांच का है। पहले कमरे छोटे इसलिए बनते थे, इजी टू मेंटेन। तो इसका जो डोर आप देखेंगे वो एक आइवरी डोर है, एलिफेंट की तस्वीर से बना हुआ है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं राजा रानी की पर्सनल बालकनी है, सुबह ब्रेकफास्ट करना, आपस में चिटचैट करना, वो सब यहीं पे करते थे। एंड इमेजिन पूरी सिटी का व्यू भी दिखता था यहाँ से। चाइनीज स्टाइल से चाइना से इम्पोर्ट करी गई है, वही है अपन बोलते हैं ना रंगीलो राजस्थान, तो कलरफुल ग्लास उदयपुर डिफरेंट कलर्स में देखने के लिए। तो अभी ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये लेक पैलेस है, अभी इसको ताज ग्रुप ने लिया हुआ है। ये 14th सेंचुरी में लेक पिचोला है जहाँ पे ये पैलेस बना हुआ है, एंड इट्स ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड। ताज का प्रॉपर्टी है अभी राइट नाउ ये, यू कैन स्टे ओवर देयर एज वेल। और वो सामने जो है उदय विलास है जहाँ पे ये जवानी या दीवानी का शूटिंग हुआ था। हम सब में से किसको मेकअप नहीं पसंद होता, यहाँ पे बैठ के रानियाँ मेकअप करा करती थी, झूले पे उन्हें बिठाया जाता था और उनका मेकअप किया जाता था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये एक सूरज लगाया हुआ है, जब बारिश होती थी तो जो यहाँ के लोग थे वो सूरज की पूजा करते थे, बिकॉज मॉर्निंग में सूरज की पूजा करना लाइक वॉज इम्पॉर्टेंट, तो इनकी पूजा किया करते थे। तो ये आप देख सकते हैं दीवाने खास एरिया है, जब भी कोई गेस्ट आया करते थे तो यहाँ पे फंक्शन हुआ करते थे, एंड सारी राजा रानियाँ ऊपर बैठा करते थे एंड यहाँ पे सारे फंक्शंस हुआ करते थे। तो ये जो है मेरे पीछे ये किचन है जहाँ पे जब विधवा हो जाती थी रानियाँ
तो यहाँ पे खाना बनाया करती थी, यानी पूरा चिमनी है एंड इतने भारी भारी बर्तन होते थे, लाइक जमीन जैसा हो जाता था। तो आप सामने देख सकते हो वो रानी जी की, जो रानी जी हैं उनकी फोटो भी लगी हुई है, शी वॉज रियली ब्यूटिफुल। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये राजमाता जो हो जाती थी, बेटो हो जाती थी जब, उनका ये रूम था। जब भी कोई लेडीज उनसे मिलने आती थी या उनकी जो फ्रेंड सहेलियाँ होती थी वो मिलने आती थी या उनकी कोई मीटिंग बुलाई जाती थी तो वो यहाँ पे बैठती थी एंड यहाँ पे बैठ के उनकी पूरी मीटिंग की टी पार्टीज हुआ करती थी। एंड ये उनका रूम है, वो सामने आप देख सकते हो सारी सीटिंग्स लगाई हुई हैं। तो अभी हम जो है वो एक और कोर्ट यार्ड है यहाँ पे, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो ये सारे जो कमरे हैं ये राजकुमारियों के कमरे हैं। जैसा हमें गाइड ने बताया कि ये जो महल है ये बनाया गया है डिफेंस पर्पस से, इसीलिए सबसे पहले राजा रानी के कमरे, फिर उसके बाद दासियों के कमरे, फिर उसके बाद विडो के कमरे एंड फाइनली राजकुमारियों के कमरे, बिकॉज राजकुमारियों को बहुत ही सेफ्टी से रखा जाता था। तो ये सारे उनके कमरे हैं और अभी भी जब जो राजा जी हैं उनके परिवार की यहाँ पे जब शादी होती है तो इसी कोर्टयार्ड में उनका मंडप लगता है। जो लास्ट शादी हुई थी ये कोर्टयार्ड में मंडप लगाया गया था एंड ये बहुत ही सुंदर सी जगह है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही है। सो गाइस फाइनली हम लोग पूरा जो पैलेस था वो एक्सप्लोर कर चुके हैं। आई एम श्योर आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी अबाउट उदयपुर, अबाउट द सिटी पैलेस, अबाउट यहाँ के जो राजा थे उनके बारे में। अभी हम और भी जगह एक्सप्लोर करेंगे। सो या स्टे विद मी, स्टे ट्यून्ड एंड वी विल कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ट्रैवलिंग। बाय बाय। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।